फिर जावे ता जावे सादा सिक्की से दसदा जावे फिर जावे ता जावे सादा सिक्की से दसदा जावे प्रकार खालसा जी एक बच्चा सी उसने अपने पिता नूं कहा पिता जी किथे चले हो कहिंदे शहर नूं चले हां भाई तो कहण लगे चंगा मेरे वास्ते कोई खाण चीज लाया हो खाण वास्ते कोई चीज कहिंदे चंगा जरूर लैके आवांगे पिता सियाणा सी वो हलवाई की दुकान से गया वेख्या खंड के खिडौने बनाए हुए ने अनेक तरह ने तो एक चिड़ी बनाई हुई है एक गिलास बनाया होया है एक कबूतर बनाया होया है इस तरह अनेक प्रकार के पंछी बनाए हुए हैं कई बर्तन बनाए हुए हैं हैगे सारे खंड दे है। और पिता सियाने ने खरीद लैके ठीक है खाने वाली चीजा ने जो घर लैके आया बच्चे ने बड़े लाड़ के मिलकर कहा पिता जी की लैके आए हो कहने तेरे खाने वास्ते बड़िया चीजा लैके आए मैंने छेती दो जो खोल के विखाइया कह लगे तो गिलास है पानी पीन वाला मैं तो खाने वाली चीज मंगी थी कहने खा के तो वेख जो मूह लाया तो खंड से और सारी खा गया फिर यह तो चिड़िया उड्डन वाली कहते नहीं खा के वेख जो मूह में लाया तो सी सारी वो खंड ही खंड केवल बाहर बनावटा वो एक तरह दंखियां ढाल ढाल के बनाई हुई सन इस तरह गुरमुख जा रहे हो पिता हम सतगुरु गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी साढ़े पिता हैं अति उन्होंने बच्चे हैं हम बारिश को गुरु पिता है दे मत समझाए सच्चे पातशाह महाराज साहब के चरणों से अभी बेनती करते हैं सच्चे पातशाह जन्मा जन्मात्रा की सानू भुख लगी हुई है आप सारू कृपा करके साड़ी ला दो कोई ऐसी खाने वाली चीज बख्शो जिस करके आत्म तृप्ति हो जाए सदा वास्ते रज जाइए हजूर सच्चे पातशाह कहने रहे असी बेगमपुरा शहर को नाओ दूख अंधो नहीं ते ठाओ ना तस्वीर सिराज ना माल खौफ ना खतरा ना सर जवाल ऐसा जेड़ा पवित्र शहर है ना उत्थे साध संगत रूप बड़े बड़े हक ने उतों असी थानू कुछ चीजा लिया के खरीद के लिया के देंगे बहुत गुर सिखो तुम छक लैनी है और साढ़े वास्ते महाराज साहब ने बख्शी सीती अखंड कीर्तन तेन भोजन चूरा कहो नानक जिस सतगुर पूरा नानक ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान जब ब्रह्म ज्ञान रूपी भोजन लिया के सानू कृपा करके छकाया अखंड कीर्तन रूपी भोजन जब सानू छकाया असी रज गए पहला की साड़ी होर तरह की निगाह भला असी कीर्तन सुन सुन के किवें असी ब्रह्म ज्ञान नू प्राप्त हो जावांगे सारे परमेश्वर की जोत असं किमें देख लवेंगे तुम सतगुरु जी कहें हो कि सारे रब की जोत है पर कोई रोगी है कोई सोगी है कोई भोगी है कोई जोगी है कोई दुखी है कोई सुखी है कोई राजा है कोई प्रजा है कोई कंगाल है कोई अमीर है कोई वड्डा है कोई छोटा है कोई पशु है कोई पंछी है कोई मनुख है कोई दृश्य है इन सारे परमेश्वर की जोत असं किमें देखांगे बहादुर सच्चे पातशाह कहते हैं जो असी तुम भोजन दिता इन अंदर ग्रहण करके देखो जब ग्रहण किया गुरु की बाणी उस मौके से भरम का पर्दा जिन्हें दूर होया अग्ञान का पर्दा दूर होया गुरबाणी इस जग में चानण करम वत्ता माने आए जब द्वैत का पर्दा दूर होया फिर पता लग गया कि सारे जिमें सारे बर्तनों के खंड ही खंड सी इस तरह जिने सारे शरीर हैं आकार हैं ये उन्होंने खड़ौणियों की न्याई हैं इन परमेश्वर की सत्ता एको एक भी है वो आप खंड भी नहीं आई सूत्र आत्मा सारे एको एक आप ही मिल रहा है बाहर बाहरली गई सी आकार वाली दृष्टि वो छड़ करके और दिव्य दृष्टि जब जाग पई तो फिर यह निगाह खुल गई सब गोबिंद है सब गोबिंद है गोबिंद बिन नहीं कोई जो दिसा सो तेरा रूप जो दिस रहा वाहिगुरु सब तेरा ही तेरा रूप सानू दिस रहा है।